जिला कमला भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कार्यकारिणी में 6-6 कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष व सचिव जबकि 2 कार्यकर्ताओं को महामंत्री पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में 41 को जगह दी गई है। वहीं 30 विशेष आमंत्रित सदस्य कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कार्यकारिणी में 6-6 कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष व सचिव जबकि 2 कार्यकर्ताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में 41 को जगह दी गई है। वहीं 30 विशेष आमंत्रित सदस्य कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। कार्यकारिणी में अश्विनी शास्त्री, सुशील सैनी, अरविंद कुमार अधिवक्ता, नीलम कुमारी, नीतू दमीर व करतार चौधरी को उपाध्यक्ष, सचिन शर्मा और रमेश बराड़ को महामंत्री, विजय बत्रा, विजय ठाकुर, शमशेर नेहरिया, विकास चौधरी, कुलवास चौधरी व ओमकार बरसेन को सचिव, कुलदीप चौहान को कोषाध्यक्ष, प्रकाश चौधरी को सचिव एवं कार्यालय प्रभारी, नारायण ठाकुर को जिला मीडिया प्रभारी, अधिकांश टोकरा को सह मीडिया प्रभारी और विजय शर्मा को मीडिया पैनलिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ ही समय पहले मुझे जिला अध्यक्ष कांगड़ा की जिम्मेवारी दी गई। मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व और जिला के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। मैंने आज ही जिला कांगड़ा की जो कार्यकारिणी है, जिला कांगड़ा के जो पदाधिकारी हैं, उनकी घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है वो चारों विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और वरिष्ठ जो नेतृत्व है हमारे चारों विधानसभा क्षेत्रों का, उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद जारी की गई है, ये घोषणा की गई है। तो इसमें अश्विनी शास्त्री जी, श्रीमती सुशीला सैनी जी, श्री अरविंद कुमार जो अधिवक्ता हैं, श्री नीलम कुमारी जी, श्रीमती नीतू धमीर जी और श्री करतार चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। वो धर्मशाला से श्री सचिन शर्मा, कांगड़ा से श्री रमेश बराड़ जी को महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। श्री विजय बत्रा, श्रीमती विजया ठाकुर, श्री शमशेर नेहरिया, श्री विकास चौधरी, श्री कुलवास चौधरी, श्री ओंकार बरसेन जी को सचिव की जिम्मेवारी दी गई है और श्री कुलदीप चौहान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। श्री प्रकाश चौधरी को सचिव एवं कार्यालय प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। श्री नारायण ठाकुर को जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। श्री अधिकांश डोगरा जी को सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है और विजय शर्मा जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनको मीडिया पैनलिस्ट में रखा गया है। इसके साथ ही 41 कार्यकारिणी के सदस्यों की भी आज घोषणा की गई है। ये लिस्ट आपको दे दी जाएगी और विशेष मंत्री सदस्य जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष मंत्री सदस्य के रूप में जिला में स्थान मिलता है और दिया गया है। इसके साथ ही कुछ स्थान अभी भी जिनकी पूर्ति अभी करनी है, जो रिक्त रखे गए हैं, ये जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद अगर वहाँ से बच जाते हैं तो उनको यहाँ पे स्थान दिया जाएगा। और मैंने सभी वर्गों को, सभी चारों कंसर्नसियों को पूरे तालमेल से कार्यकारिणी बनाने की पूरी चेष्टा की है और सभी काम करने वाले व्यक्तियों को इसमें स्थान दिया गया है। और मुझे आशा है कि ये जो आने वाला समय है इसमें सभी सदस्य मिलके काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, संगठन को आगे लेके चलेंगे और 2022 में हमारा लक्ष्य रहेगा कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जिला की चारों सीटों पे भाजपा विजयी हो और दोबारा से श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा का मुख्यमंत्री बने, यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसी के लिए हम अगले 3 वर्ष के लिए कार्य करेंगे।